हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्वेश्चन नंबर 11 के आगे आप देखिए 12 से पूरा 12 to 19 आज पूरा पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें है इफ़ z इज़ इक्वल टू थ्री का मतलब एटॉमिक नंबर 3 है। z इज़ इक्वल टू 3, वाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, आल्सो नेम द एलिमेंट। तो किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 3 होता है, आप जानते हैं लिथियम का, तो यहाँ पर लिथियम लिख देंगे, लिथियम एलिमेंट है। और इसमें वैलेंसी में पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके यहाँ होगा KL2 1। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वैलेंसी 1 होगी, इसकी वैलेंसी 1 होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को आप रीड कीजिए, उसमें आपके यहाँ लिखा गया है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एटॉमिक स्पीसीज एक्स एंड वाई आर गिवन एज अंडर। ठीक है, इसमें एक्स और वाई, इसमें प्रोटॉन्स 6 और 6 है, और न्यूट्रॉन्स 6 और 8 हैं। पूछ रहा गिव द मास ऑफ एक्स, मास नंबर ऑफ एक्स, तो मास नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मास नंबर का मतलब प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर को जोड़ दीजिए, 6 + 6 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। और फिर कह रहा है मास नंबर ऑफ वाई, तो मास नंबर ऑफ वाई अगर लेंगे तो 6 और 8 जोड़ दीजिए, 14 हो जाएगा, इसका मास नंबर 14 हो गया। अब इसमें व्हाट रिलेशन बिटवीन टू स्पीसीज, इसमें देखिए प्रोटॉन नंबर का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, इनमें प्रोटॉन नंबर सेम यानी एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, इसलिए यह आइसोटोप्स है। एक्स एंड वाई आर आइसोटोप्स, ये आइसोटोप्स हैं। ठीक है, ये है रिलेशन है दोनों में। क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आप लोग क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, पहले क्वेश्चन ये तो आएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में आप देखिए, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ये है जे थॉमसन प्रपोज्ड दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियंस। ये जे थॉमसन ने नहीं कहा था, इसलिए ये फॉल्स है। बी देखिए, आ न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर देयर फोर इट इज न्यूट्रल। ये भी फॉल्स है, ये बुक में कहीं नहीं लिखा है। सी है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 times दैन प्रोटॉन। ये ट्रू है, ये बताया गया है। एन आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन इज यूज फॉर मेकिंग टीचर आयोडीन विच इज यूज एज मेडिसिन। ये ट्रू है, तो इसमें सी और डी ट्रू है, ए और बी फॉल्स है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आप 15 में देखेंगे,
15 में देखिए, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक न्यूक्लियस करेक्ट है इसमें, ए एटॉमिक न्यूक्लियस। और क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखेंगे, आइसोटोप्स आयन एलिमेंट है सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, गलत है। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, गलत है। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सही है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, गलत है। इसमें सी ही करेक्ट है कि आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे तो 17 में आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सी एल नेगेटिव आयन। तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सी एल नेगेटिव इक्वल टू, देखिए सी एल में केवल सी एल एटम देखें तो उसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है इसलिए इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो के एल एम 288 आएगा, यानी इसके इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, यानी बी सही है। 17 में बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, के एल एम 281। तो इसमें देखिए ए में दिया है 28, गलत है। बी में 821 ये भी गलत है। सी में 218 ये भी गलत है। डी सही है, 281 यही है। और क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट टेबल कंप्लीट करना है। इसमें हम एक बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग खुद करिएगा। इसमें कॉलम में एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ नेम ऑफ एटॉमिक स्पीसीज दिया गया है। तो इसमें एटॉमिक नंबर पहले वाले में देखिए 9 दिया गया है, और बीच में यानी मास नंबर छोड़ा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10 दिया गया है। तो जानते हैं एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम ही मास नंबर होता है, तो इनका और इनका सम यहाँ पर आप लिखिएगा। याद रखिए एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन नंबर का सम यहाँ पर लिखना है सेकंड कॉलम में। तो यहाँ पर हो जाएगा 19। नंबर ऑफ प्रोटॉन जानते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन आगे नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 हो जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, 9 हो जाएगा। और नेम ऑफ एटॉमिक स्पीसीज, जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है उसको लिखिए। तो एटॉमिक नंबर 9 होता है फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन यहाँ पर एफ लिख दीजिए, फ्लोरीन हो। इसी तरीके से और को भी आप भरिएगा, ठीक है, उसको कंप्लीट कीजिए आप लोग। इसी के साथ ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं।